के आदिवासी वोट बैंक पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव खेले हैं। धार के मांडू में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी को ही आदिवासियों की सच्ची हितैषी बताया। इस पर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया है। वे बोले, बीजेपी कितना भी झूठ परोस ले, यह वर्ग गुमराह होने वाला नहीं है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस आदिवासी वोट बैंक को लेकर बढ़ा है। खासकर बीजेपी पिछले एक साल से आदिवासियों को लेकर ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का भोपाल दौरा, वे आदिवासी केंद्रित ही रहे। वहीं अगले एक साल में बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को जोड़ने के लिए कई प्रोग्राम बना लिए हैं। आदिवासियों को लेकर एक बार फिर बीजेपी का फोकस सामने आया है। आदिवासी बाहुल्य धार जिले के मांडू में बीजेपी का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इसमें केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति से जुड़े बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें आदिवासी का मुद्दा भी उठ चुका है। एमपी में आदिवासी वोट बैंक पर सियासत गर्म हो चुकी है। आदिवासी बाहुल्य धार जिले के मांडू में बीजेपी का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इसमें केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति से जुड़े बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें आदिवासी का मुद्दा भी उठ चुका है। मांडू के प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। आदिवासियों में कुछ लोगों ने सामाजिक संगठन का रूप लेकर जनजाति समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि जयस का डीएनए कांग्रेस का है। उनके इस कथन से हम समझ सकते हैं कि समाज को तोड़ने के पीछे किन लोगों का हाथ है। आज भाजपा को पिछड़ा और जनजाति विरोधी बनाने का विमर्श खड़ा किया गया है, लेकिन बीजेपी ही सच्चे अर्थों में पिछड़ा वर्ग और जनजाति वर्ग की हितैषी है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर उनके अधिकार संपन्न बनाया, तो वही राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाकर जनजाति समाज के उत्थान और उन्हें गौरव प्रदान करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी के सत्ता में काबिज होने के लिए आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता आया है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वोट बैंक को लेकर खींचतान रहती है। बीजेपी आदिवासियों को रिझाने के लिए पिछले एक साल में कई इवेंट भी कर चुकी है। एक वजह यह भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के वोट की बदौलत ही कांग्रेस सत्ता प्राप्त कर पाई थी। कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें मिली थी, इसलिए बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक की तरफ फोकस किया। हालांकि आदिवासी को रिझाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कई मौकों पर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को आदिवासियों का हितैषी बताया।